हेलो फ्रेंड्स, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी बनाना केक की रेसिपी। ये केक दिखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। आप देख सकते हैं ये केक कितने अच्छे से फूला है और कितने अच्छे से बेक हुआ है। एकदम जालीदार और सॉफ्ट केक बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये केक। और इस सॉफ्ट और टेस्टी केक को हम बनाएंगे बिना ओवन के। इस केक को बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बनाना केक। बनाना केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक के बर्तन को ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं केक बनाने के लिए इस तरह का स्टील का बर्तन यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने एक बटर पेपर लिया है। ये बटर पेपर आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा। इस पेपर को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपको फोल्ड करना है। अब हम फोल्ड किए हुए बटर पेपर को इस बर्तन के सेंटर में रख देंगे और यहाँ से कैंची से काट देंगे। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर को काट लिया है। ये देखिए ये बिल्कुल बर्तन के साइज़ में कटा है। अब हम केक के बर्तन के अंदर ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच तेल, और तेल को हम पूरे बर्तन के अंदर अच्छे से हाथों से फैला कर लगा देंगे। तो यहाँ पर केक का बर्तन अंदर से अच्छे से ग्रीस हो चुका है। इसके बाद जो हमने बटर पेपर को काट के रखा था वो इस बर्तन में अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा केक का टिन ग्रीस हो चुका है, अब हम इसे साइड में रख देंगे। तो बनाना केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 पके हुए केले लिए हैं। पके केले ज़्यादा मीठे होते हैं और इसका फ्लेवर भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैंने बड़ा वाला ब्लेंडर जार लिया है। ब्लेंडर जार में हम इन केलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 केलों को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए हैं, इन्हें भी हम ब्लेंडर जार में ऐड कर देंगे। अब हम इस ब्लेंडर जार में ऐड करेंगे 1/2 कप तेल। यहाँ पर मैंने बिना फ्लेवर वाला रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। आप रिफाइंड ऑयल के बदले मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर जार में केले, तेल और अंडों को एक साथ ब्लेंड कर लिया है। तो चलिए अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेते हैं। प्लेट के ऊपर एक छन्नी रखेंगे। इस छन्नी में हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। इसके बाद हम इस छन्नी में ऐड करेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर डालना ऑप्शनल है। अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। इन्हें छानने से केक अच्छे से फूलता है, इसीलिए केक बनाते समय इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लिया है। केक को बेक करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह का बर्तन यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मैं इस तरह की एक रिंग रख दूंगी। रिंग की जगह आप किसी प्लेट को उल्टा करके भी रख सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए छोड़ देंगे। ये जब तक प्रीहीट हो रहा है तब तक हम केक का बैटर बना लेते हैं। तो हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े से बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इन्हें हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा अंडे, केले और तेल का मिक्सचर, और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें बाकी का बचा हुआ मिक्सचर भी ऐड कर देंगे। इसमें आपको थोड़े से केले के लम्ब्स दिख रहे होंगे, पर केक बेक होने के बाद ये केले के लम्ब्स केक के साथ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो केलों को पूरी तरह पीस कर केक को बिना लम्ब्स का भी बना सकते हैं। तो इस मिक्सचर को हम मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। ये देखिए कट फोल्ड, इस तरह से हमें इसे मिक्स करना है। अब हम इस बैटर में ऐड करेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस और इसे हम इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपका बैटर गाढ़ा हो जाए तब आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा केक का बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इस बैटर को ग्रीस किए हुए बर्तन में ऐड कर देंगे।
इसके बाद हम इस बर्तन को 3 से 4 बार इस तरह से टैप कर देंगे ताकि इसके अंदर के एयर बबल्स निकल जाए। यहाँ पर मैंने केक को डेकोरेट करने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप चाहे तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर कुछ कटे हुए पिस्ते ऐड करूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ ब्लैक रेजिन्स। यहाँ पर हमारा केक बनाने वाला बर्तन प्रीहीट हो चुका है। अब हम सावधानी के साथ इस बैटर वाले बर्तन को इसके अंदर रख देंगे। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। और एक ज़रूरी बात, हमें केक को चेक करने के लिए बार बार इसका ढक्कन खोलना नहीं है। बार बार ढक्कन खोलने से केक बैठ जाता है, अच्छे से फूलता नहीं है। फिर भी अगर आपको केक को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है तब आप इसे 30 मिनट के बाद ही चेक करें। तो यहाँ पर केक को बेक किए हुए 40 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम केक को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये केक कितने अच्छे से फूला है। केक अच्छे से बेक हुआ या नहीं इसे चेक करने के लिए हम इसके अंदर एक चाकू डालेंगे। तो यहाँ पर चाकू बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है, इसमें केक का कोई भी बैटर लगा नहीं है, मतलब ये केक अच्छे से बेक हो चुका है। अगर आपका केक पूरी तरह से बेक ना हुआ हो तब आप इसे फिर से ढककर लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। अब हम केक को ठंडा करके इसे डीमोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम चाकू से इस केक के किनारों को अच्छे से छुड़ा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और केक वाले बर्तन को इसके ऊपर पलट देंगे। अब हम इस बर्तन को थोड़ा सा थपथपा देंगे जिससे ये केक आसानी से बाहर निकल आएगा। तो देखा आपने ये केक कितनी आसानी से बाहर निकल आया है। अब जो केक में बटर पेपर लगा है उसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये केक कितने अच्छे से बेक हुआ है। अब हम वापस से इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इस केक को पलटकर सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये केक कितना सुंदर बना है और कितना परफेक्ट बेक हुआ है। तो चलिए इसे मैं आपको काट के दिखाती हूँ। काटने से ही समझ में आ जाता है कि ये केक कितना सॉफ्ट बना है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये केक बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस केक में कितनी अच्छी जाली बनी है और कितना स्पंजी लग रहा है ये केक, कितना सॉफ्ट है ये देखिए, एकदम परफेक्ट केक बना है ये। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये बनाना केक की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक मेरे चैनल ममता की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर देना। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।